हिंदू परिषद के नेतृत्व में आज सकल हिंदू समाज ने उलवे में रैली निकाली और जिहादी मानसिकता के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। बीएसपी के कोकण प्रांत संपर्क प्रमुख सुरेंद्र पांडे, लालजी मलिक, सुरेश राणा और राजेश जैन समेत तमाम पदाधिकारी और सैकड़ों नागरिकों ने हाथों में बैनर थामे रैली में हिस्सा लिया। बीएसपी नेताओं ने कहा कि हिंदू समाज अब जाग गया है, इसलिए मजहब के नाम पर द्वेष और जिहादी मानसिकता फैलाने वालों की नहीं चलेगी। देखिए रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद ने आज सकल हिंदू समाज को लेकर उलवे में जागरूकता रैली निकाली और मजहब के नाम पर नफरत और जिहाद फैलाने वाली मानसिकता के खिलाफ आंदोलन करते हुए सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। यहां बीएचपी के जिला मंत्री लालजी मलिक, उपाध्यक्ष संजीव शेट्टी, सहमंत्री अमरजीत सुरवे, सहमंत्री राजेश जैन, बजरंग दल संयोजक देवेंद्र घोषालकर और संघ समरसता टीम के सदस्य सुरेश सिंह राणा समेत तमाम पदाधिकारी और सकल हिंदू समाज के लोग मौजूद थे, जिन्होंने हनुमान चालीसा का भी सामूहिक पाठ किया और सामुदायिक एकजुटता का संदेश दिया। यहां रैली का नेतृत्व करते हुए बीएचपी के कोकण प्रांत संपर्क प्रमुख सुरेंद्र पांडे और लालजी मलिक ने हिंदुओं के साथ हुई हिंसक घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि यह देश वसुधैव कुटुंबकम पर चलता है, लेकिन वैसी जैसे कुछ लोग इस्लामिक जिहाद और मजहब के नाम पर द्वेष फैला रहे हैं, जिससे हिंदू जनों पर अत्याचार बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब हिंदू समाज जागरूक हो गया है और इस तरह नफरत और हिंसा फैलाने वाली ताकतों और नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देगा। एक कुरान पढ़ने वाले भी आपस में एक दूसरे की माँ बहन करने वाले लोग हमारे साथ आंख मिलाते हैं। उनको पता है हिंदू हजार साल गुलाम रहा, इसके बावजूद भी ये जवाब नहीं देगा। लेकिन अब वो हिंदू रहा नहीं, अब पूरे हिंदू में, पूरे विश्व में हिंदू समाज ने अपना प्रतिनिधित्व करने का विचार कर लिया है, संकल्प कर लिया है। 1947 के समय एक गांधी एक नेहरू ने इस देश के बंटवारे का जो निर्णय लिया था वो अब रिपीट नहीं होगा। अब कोई हैदराबादी, कोई महाराष्ट्र का, कोई वैसी जैसा कोई ऐसा व्यक्ति अगर जिन्ना बनने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान तो क्या हिंदुस्तान में भी रह नहीं पाएगा। दारुल इस्लाम का सपना देखने वाले अगर ऐसा मानते हैं कि ऐसा संभव हो जाएगा तो गलतफहमी के शिकार है। अब वो बढ़ने वाला नहीं है, अब ये गुलाम समझा जाने वाला हिंदू अब जागरूक है और जाग उठा है। अब सब लोग अलर्ट मोड पर है और ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए तैयार है। जिहादी मानसिकता वालों ने पूरे देश भर में पत्थर फेंकना, हिंदुओं की संपत्ति को जलाना और हिंदुओं की धोखे से हत्या करना, ऐसे जो कृत्य इन्होंने चालू किए उसके विरोध में पूरे देश के हिंदू समाज में बहुत रोष था और वो रोष जो था वो रैली के रूप में आज आपके सामने यहाँ उलवे नगरी में प्रकट हुआ है। ये केवल निषेध नहीं था, हिंदुओं ने अपनी एकजुटता का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। सकल हिंदू समाज इस नाम से, इस बैनर के साथ सभी पंथों के सभी अलग अलग न्याति प्रमुख आज हमारे साथ रोड पे उतरे हैं, एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अब जो हो चुका वो बहुत हो चुका, हिंदुओं की जो सहनशीलता है वो अभी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद अगर देश में किसी ने भी जिहादी मानसिकता वालों ने किसी भी हिंदू के विरोध में कुछ करने का प्रयास किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और गोली का जवाब गोले से देंगे। TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।